मोदी फैक्टर, उनका एक प्रीमियम, उनका बनारस को चुनना। 2009 तक के चुनाव में औसत 28% के आसपास बीजेपी का वोट हुआ करता था और अब पूरे प्रदेश में 50% तक बढ़ गया। अकेले इनकी बात करें बनारस कंस्टिट्यूएंसी में वो उससे भी ज्यादा है। इन्होंने जातीय समीकरण के लिए भी बनारस को एक प्रयोग की तरह से इस्तेमाल किया, हिंदुत्व की बड़ी आइडियोलॉजी के अलावा। और ये जो दूसरे तरीके होते हैं, ए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जिसको हम कह सकते हैं, उसके जरिए लोगों से बात करना, जिसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो आप बच्चों का बता रहे हैं, ये उसके कारण है। मोदी का बनारस चुनना और किस मायने में अहम है? देखिए, मोदी का बनारस चुनना ये एक बहुत अहम हिस्सा इसलिए भी है क्योंकि बनारस की एक सांस्कृतिक धरोहर, हिंदुत्व के साथ में उसका एक जुड़ाव, और तीसरा, सन 89 के बाद से केवल एक चुनाव को आप छोड़ दें तो इस शहर का एक तरह से भाजपा के साथ में जुड़ाव। यहाँ पे बड़े बड़े विचित्र किस्म के एमएलए हुए हैं संजय भाई, आपको मैं ये शहर दक्षिणी लगता है, यहाँ पे आगे, यहाँ पे हमारे एक एमएलए हुआ करते थे श्यामदेव राय चौधरी दादा, उनका रिकॉर्ड है 9 बार लगातार जीते, उदल साहब का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, उनसे ज्यादा फक्कड़ कोई पूरी दुनिया में एमएलए नहीं था। वो इतने विचित्र थे कि अपने क्षेत्र की जनता के कहने पे अपने ही मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने चले गए थे। तो ये बनारस है, तो ये बनारस का जो भाजपा के साथ में लगाव था उसका एक इम्पैक्ट पूरब का। और एक बात आप ध्यान रखिए, जब हम पूरब की बात करते हैं तो लोग अक्सर बिहार चले जाते हैं, नहीं, पूरब दरअसल खत्म वहां शुरू वहां से होता है जहां अवध खत्म होता है। अयोध्या के आगे आप बढ़ गए तो समझिए यहां से लेके जब तक पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगेगी तब तक पूरब ही पूरब चलता है। तो ये यहाँ पे BHU हॉस्पिटल में जहाँ पैदा हुआ वो जमाने तक इस पूरे पूर्वी भारत का इकलौता एम्स नाम की चीज हुआ करती थी जहां लोग आते थे। तो ये पूरब का इम्पैक्ट, बनारस काशी केवल उत्तर प्रदेश वाला इशू नहीं था, यहां से लेकर के कलकत्ता तक का इम्पैक्ट, ये उस जगह से एक सिंबोलिज्म में जाता है।